हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा पॉलिनोमियल। तो दोस्तों, जैसे आप 9th में पढ़ चुके होंगे, पॉलिनोमियल होता क्या है, तो मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ इसकी डेफिनेशन। पॉलिनोमियल इज अ एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग वेरिएबल्स एंड कोफिशियंट्स। तो अब इसका हम जो है वो इंट्रोडक्शन यहाँ पे देख लेते हैं। तो सीधा टॉपिक पे आते दोस्तों, यदि हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल है px, ठीक है, x में है ये, द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन px इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो दोस्तों, सबसे पहले तो पॉलिनोमियल एक हम लिख लेते हैं px बराबर, ये ले लेते हैं 4x+2, ये आपका एक पॉलिनोमियल है। तो इसमें हम कहते हैं जो x का आपका हाईएस्ट पावर होगी वही आपकी क्या होगी, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। और आप पॉलिनोमियल पढ़ चुके, होता क्या है जनरली, तो यदि हम डिग्री की बात करें तो हाईएस्ट पावर जो होगी हमारी x की वो क्या होगी, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, 4x+2 हमने यहाँ पे लिया, हियर हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 1, देन डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 1। तो ये तो आपका दोस्तों हुआ डिग्री, कि डिग्री क्या होती है और कैसे आप पता कर सकते हैं कि पॉलिनोमियल की डिग्री है क्या। तो जैसे यहाँ पर ये पॉलिनोमियल है, ये इन y है, मतलब ये y में पॉलिनोमियल आपका दिया हुआ है 4y² + 2y + 15। तो यहाँ पे पावर ऑफ हाईएस्ट पावर आपका देखेगा y का, तो यहाँ पे आपका 2 बना, तो पॉलिनोमियल कितने डिग्री का हो गया, ये आपका 2 डिग्री का हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे नोट करने वाली एक बात है कि 1/1 + x जो इस तरह के पॉलिनोमियल होते हैं, √x+2, 1/x² + 2x + 3, इस तरह के जितने भी पॉलिनोमियल्स आपके होते हैं इस तरह की फॉर्म के, एक्चुअली ये पॉलिनोमियल नहीं होते। तो दोस्तों यहाँ पे यही नोट करने वाली चीज है। उसके बाद दोस्तों पॉलिनोमियल के टाइप हम जो है वो देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो जनरली दोस्तों पॉलिनोमियल जो हमारे यहाँ पर 10th के सिलेबस में लिए गए हैं, वो 3 टाइप के लिए गए हैं। नंबर 1 आपका लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल का हम बात कर लेते हैं कि ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री सिंपली 1 होगी वो क्या होगा, आपका लीनियर पॉलिनोमियल होगा। एग्जांपल में हम ले लेते हैं 4x+1 3y+4 etc। तो देखिए यहाँ पर डिग्री हमेशा दोस्तों 1 है, तो इसका मतलब ये लीनियर पॉलिनोमियल है। उसके बाद इसकी जनरल फॉर्म की बात कर लेते हैं दोस्तों। जनरल फॉर्म हमारी होती है ax+b, जहां पर ये x जो है आपका वेरिएबल है और आपका वेरिएबल है और a और b हमारा क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे a कोफिशिएंट ऑफ x है और b हमारा कांस्टेंट, और a भी हमारा जाहिर सी कांस्टेंट ही होगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। देखिए दोस्तों नाम से ही पता लग रहा है क्वाड, तो इसका मतलब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सिंपली यहाँ पे जो डिग्री होगी हमारी पॉलिनोमियल की, जो हाईएस्ट पावर होगी x की या वाई जो भी वहां पे वेरिएबल होगा, उसकी हाईएस्ट पावर जो होती है वही डिग्री होती है उस पॉलिनोमियल की। तो सिंपली यहाँ पे देख रहे हैं आप 2 2, तो यहाँ पे 2 जब आया हमारा डिग्री, तो ये हमारा क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। तो आप और बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे हमने ये लिया z² 4z² + 1/7, क्योंकि दोस्तों देखिए ये वेरिएबल्स, ये आपका जो है ये वेरिएबल्स है और ये आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो आपका कुछ भी हो सकता है, जो इस तरह आपको यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। √5 देखे यहाँ पे, इस तरह ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल v², यहाँ पे डिग्री 2 है, तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो गया। उसके बाद आता है आपका लास्ट वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 3 होगी वो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। अब देखिए x की यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो ये आपका क्यूबिक हो गया। मान लिया जाए दोस्तों यहाँ पे आपका ये ना होता और बाकी ये एक्सप्रेशन होती, तो यहाँ पे ये
आपका क्वाड्रेटिक हो जाता। और मान लिया जाए कि ये भी ना हो, अब आपका ये लीनियर हो जाता। और मान लिया जाए आपका ये भी ना हो, तो आपका ये पॉलीनोमियल ही नहीं होता, ओनली एक आपका डिजिट या एक रियल नंबर आप इसको बोल सकते हो। तो दोस्तों जैसे आप क्यूबिक पॉलीनोमियल का अगला एग्जांपल देख रहे हो, ये आपका ये रहेगा और इस तरह ये भी आपका एक क्यूबिक पॉलीनोमियल होगा। अब दोस्तों जनरल फॉर्म की बात कर लेते हैं। दोस्तों जनरल फॉर्म इसकी होती है एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ पे ए बी सी डी आपके रियल नंबर है और आपका, या आप इन्हें कॉन्स्टेंट कह सकते हो या रियल नंबर कह सकते हो। और आपका इसमें जो देखने वाली महत्वपूर्ण बात होती है ये होती है आपकी के ए का मान जो है वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि बिकॉज अगर दोस्तों ए का मान आपका जीरो हो गया, यदि ए का वैल्यू जीरो आपका हो गया, तो ये आपका कैंसिल आउट यहाँ से हट जाएगा और आपका ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हो जाएगा। तो आपको ये सदैव सिंपल ही याद रखना है। अब बात कर लेते दोस्तों, हम पीछे भूल गए कि क्वाड्रेटिक की जो हमारी जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है। तो दोस्तों वो सिंपल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है, ये आपको याद रखना है। और लीनियर की आपकी ए एक्स प्लस बी मैं पीछे आपको बता चुका हूँ वीडियो में। तो दोस्तों सिंपली अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट करके बात लिखी है हमने, इफ पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर इज ए पॉलीनोमियल, यदि दिस क्वांटिटी इज अ पॉलीनोमियल या दिस एक्सप्रेशन इज ए पॉलीनोमियल, इफ वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलीनोमियल एट एक्स इक्वल टू माइनस वन, यदि हम यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलीनोमियल किस पर, जब आपका x इक्वल टू माइनस वन है, तब हमारा क्या सिंपली दोस्तों ये आपको x इक्वल टू माइनस वन आपको पुट कर देना है जो आपका गिवन पॉलीनोमियल होगा। और ये पुट करने पर देखिए दोस्तों, ये इस प्रकार आपने पुट किया और इसे सिंपली आपका जीरो आया। तो यहाँ पे आपने सिंपल p माइनस वन इक्वल टू जीरो हो गया, ये आपका ये पॉलीनोमियल यहाँ पे जीरो हो जा रहा किस पे, माइनस एक्स बराबर माइनस वन पर। दोस्तों आइए अब बात कर लेते हैं जीरोज़ पे पॉलीनोमियल। जीरोज़ पे पॉलीनोमियल आपका क्या होता है, अ रियल नंबर के इज सेड टू बी जीरोज़ पे पॉलीनोमियल पी एक्स इफ पी के इक्वल टू जीरो। ये आपको दोस्तों याद रखना है कि पी के इक्वल टू जीरो आपका यदि होता है, तो यहाँ पे के को क्या बोला जाएगा, जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल, ठीक है सर। तो आपका यहाँ पे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, यदि आपने एग्जाम्पल लिया पी एक्स इक्वल टू हमारा ये पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो एट एक्स इक्वल टू माइनस वन पर आपका, आप यहाँ पे माइनस वन पुट कर देंगे एक्स की जगह पर, तो एक्स के पहले इस पे आपने माइनस वन पुट किया तो यहाँ पे आपका जीरो मिल जाता है। तो इस कंडीशन पे आपका माइनस वन जो हो गया वो आपका जीरो ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल हो गया। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा कि जो जीरो होता है, जीरोज आपकी होती है, वो लीनियर पॉलीनोमियल ही कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आपका क्या है, हम यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि यदि हमारा के कोई जीरो है किसी पॉलीनोमियल दिस का, तो यहाँ पे पी के बराबर जीरो होगा, अभी हम पीछे पढ़ चुके बाय द डेफिनेशन। अब यहाँ पे k पुट कर देना इस पॉलीनोमियल के अंदर, k पुट करने के बाद आपको k का जो वैल्यू मिलेगा माइनस थ्री बाई टू, आप इसे सिंपलीफाई करेंगे तो आपको k का मान मिल जाएगा माइनस थ्री बाई टू। तो दोस्तों जनरली टर्म जो हमारा, जनरली हम कह सकते हैं कि यदि k हमारा जीरो है किसी लीनियर पॉलीनोमियल का, तब हमारा पी के इज इक्वल टू ए के प्लस बी बराबर जीरो होगा और k इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है। सो लीनियर पॉलीनोमियल हैविंग जीरो लाइक माइनस बी अपॉन ए। अब देखिए बी हमारा यहाँ पे कांस्टेंट था और ए जो हमारा यहाँ पे कोफिशेंट ऑफ एक्स है। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज़ पे पॉलीनोमियल। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आपका
हम रिसेंटली बता चुके कि आपको तीन तरह के पॉलिनोमियल होते हैं, एक आपका लीनियर, एक आपका क्वाड्रेटिक, एक आपका क्यूबिक। तो आपका तीन तरह के पॉलिनोमियल हम आपको बता चुके, आपको ये याद रखना है। तो सबसे पहले हम लीनियर की बात कर लेते हैं, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपका होता क्या है, जीरोस का। इसके तो आपने अभी हम पीछे बता चुके कि जो नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा था कि जो ग्राफ होता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल का, वो होता है आपका स्ट्रेट लाइन, वहां पे आपको मिलती है। दोस्तों यहाँ पे हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। आपने एक एग्जांपल लिया, एक हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है वाई बराबर टू एक्स प्लस थ्री इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। दोस्तों ये पॉइंट फाइंड आउट करने का आपका जो सिंपली तरीका हो जो होता है, आपने यहाँ पे x का कोई वैल्यू ले लेना है, माइनस टू आपने लिया, देन आपको y का मान मिल जाएगा। आपने टू लिया तब आपको y का मान यहाँ पे मिल जाएगा। अभी दोस्तों हमने ये देखिए कि ये ग्राफ ड्रॉ किया है। ग्राफ ड्रॉ करने पर आपको सिंपली क्या करना है, सिंपली आपको जो जो आपने दो पॉइंट लिए, दो पॉइंट के बीच एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब आपको पता लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो दोस्तों स्ट्रेट लाइन जो आपका होगा, अब यदि हम इसको इस लीनियर पॉलिनोमियल को सिंपलीफाई करके इसका जीरोस पता करने की कोशिश करें, तो हमारा जो जीरोस होगा माइनस थ्री बाई टू होगा। और दोस्तों यदि आप ग्राफ में देखो तो ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को माइनस थ्री बाई टू पर ही कट कर रही है। देखना जब आप अपने ग्राफ पेपर पे ये चीज देखोगे एक बार ड्रॉ करने के बाद, तो आप देखोगे कि माइनस थ्री बाई टू पर ये आपका लाइन जो है कट हो रहा है एक्स एक्सिस। तो दोस्तों यहां से क्या निकल के आता है कि जो ये आपका कट हुआ एक्स एक्सिस बाय दिस लाइन, जहां पर भी ये एक्स एक्सिस कट हो जाएगी वही आपका क्या होगा, वो जीरोस होगा ऑफ द पॉलिनोमियल। और आपको याद रखना है दोस्तों कि एक जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है वो आपका एटमोस्ट वन जीरोस वो रखता है, आपका एटमोस्ट उसके पास ज्यादा से ज्यादा एक जीरोस होगा, ये आपको रखना है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि दस द जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ दिस इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। जो मैंने आपको बात बताई वही यहाँ पे सेम डेफिनेशन के रूप में लिखा है। और दिस इंटरसेक्शन इज यूनिक एंड एग्जैक्टली वन पॉइंट। ये इंटरसेक्शन आपका जो होगा वो यूनिक होगा और सदैव मतलब एग्जैक्टली वन होगा, जो कि मैं आपको बता भी चुका। अब दोस्तों बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अब दोस्तों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपका हम बता चुके हैं जिसकी डिग्री टू होती है। तो हमने ये सिंपली एक एग्जांपल लिया है वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स एंड माइनस फोर। तो दोस्तों जब हम इसका ग्राफ ट्रेस करते हैं, व्हेन वी ट्रेस दिस ग्राफ, तो जब हम इसका ग्राफ ट्रेस करते हैं, सबसे पहले तो आप ये टेबल आप सोच रहे होंगे ये टेबल मैंने कैसे लिख दी। तो सिंपली दोस्तों क्या है ये टेबल, आप सिंपली आपका जो ये इस एक्सप्रेशन है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें आपका एक्स का तो देखो वैल्यू लेना पड़ेगा, आपको एक्स का कोई वैल्यू लोगे तो आपको वाई का वैल्यू मिलता चला जाएगा। तो सिंपली हमने यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज यहाँ पे ले ली है, हम चाहते तो दो चार वैल्यूज से भी काम बन जाता बट हमने बहुत सारी वैल्यूज यहाँ पे ले ली है। तो दोस्तों अभी मैंने विदाउट किसी ग्राफ पेपर के मैंने ग्राफ शो करने की और दिखाने की आपको कोशिश की है। तो समा चाहता हूँ यदि ग्राफ थोड़ा उल्टा सीधा बन गया है। तो यहाँ पे आपको सिंपली देखना क्या है कि ये ग्राफ जो ये आपका ये जो ग्राफ आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ये एक पैराबोला शेप आता है। इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये पैराबोला शेप जो है ये दो जगह पे आपका एक्सिस को कट करेगा। दोस्तों जरूरी नहीं है कि ये एक्सिस को कट ही करे, वो बात मैं आपको आगे बताऊंगा क्योंकि उसमें डिफरेंट केसेस बन जाते हैं, बट हम मान के चल रहे हैं कि इसने दो जगह एक्सिस को कट किया और जहां पर भी इसने एक्सिस को कट किया दोनों जगह पर
वही आपका जीरोज ऑफ दैट या दिस पॉलिनोमियल होगा आपका। दोस्तों आपको यहां से दो बात पता लगी कि ग्राफ जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का होगा वो आपको पैराबोला मिलेगा। उसके बाद ये आपका जरूरी नहीं है कि एक्स एक्सिस को कट ये करे ही, हो सकता है ये ऊपर बन जाए, हो सकता है ये नीचे बन जाए, हो सकता है ये एक जगह पे बने ऐसे। तो हम जनरल केस में मान के चल रहे कि इसने दो जगह कट किया और हमें यहाँ पे दो पॉइंट मिले और हमने इनको दोनों को जीरोस बोल दिया जहां पे ये एक्स एक्सिस कट हो रही इस ग्राफ के द्वारा। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं। दोस्तों अभी जो मैंने आपको बताया वो पढ़ लेते हैं। हियर द पॉलिनोमियल कट द एक्स एक्सिस एट टू पॉइंट माइनस वन एंड फोर, सो माइनस वन एंड फोर आर द जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल या इन दिस केस इन जनरल शेप ऑफ ग्राफ वाई बराबर दिस, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म है। द फॉलोइंग थ्री केस कैन हैपन, आपका तीन केस यहाँ पे हैपन हो सकता है। नंबर वन केस की बात हम कर लेते हैं कि आपका जो ग्राफ है, ग्राफ का एक्स एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड ए डैश लाइक दैट। आपका ये ग्राफ इस तरह भी हो सकता है और ये दो डिफरेंट पॉइंट पे आपका कट कर रहा है ए ए डैश पर, और ये आपका इस तरह भी हो सकता है, नीचे की ओर भी हो सकता है, मतलब डाउनवर्ड भी हो सकता है एंड अपवर्ड भी हो सकता है आपका। तो इस केस में आपका ए और ए डैश दो डिफरेंट पॉइंट होंगे जो जिनको हमने जीरोस बोला इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं आपका सेकंड केस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो एक्स एक्सिस को कट करेगा वो एग्जैक्टली वन पॉइंट पे कट करेगा, तो एट टू टू कंसिडेंट पॉइंट, सो द टू पॉइंट ए एंड ए डैश ऑफ केस फर्स्ट कोइंसाइड हियर टू बिकम वन पॉइंट ए, यहाँ पे वो मतलब वन पॉइंट ए बन जाता है। तो ये ग्राफ आपका इस तरह भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है और अपवर्ड भी हो सकता है। यहाँ पे दोनों पॉइंट मिलके एक बना ए, तो यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर आपका क्या होगा, हियर ए इज ओनली वन जीरोज फॉर पॉलिनोमियल दिस, तो यहाँ पे एक ही जीरोज होगा आपका। उसके बाद दोस्तों तीसरे केस की बात हम कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे तीसरा केस क्या बनता है कि यह तो जो आपका जो ग्राफ है इज आइदर कम्प्लीटली बाउंडेड अब मतलब सॉरी कम्प्लीटली अबाउ द एक्स एक्सिस और बिलो द एक्स एक्सिस। तो इस कंडीशन में आपका तो ग्राफ अबाउ द एक्स एक्सिस हो जाएगा या बिलो द एक्स एक्सिस हो जाएगा, इस कंडीशन में आपका ये कट नहीं करेगा। तो इस केस के अंदर क्या हो जाता है, यहाँ पे आपका नो पॉलिनोमियल ऑफ नो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा, इस पॉलिनोमियल के पास कोई जीरो नहीं होगा दोस्तों। तो ये तीन केस आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, अच्छे से याद कर लेने हैं किस तरह आपका क्या होगा। और यहां से एक जो इम्पोर्टेंट बात पता लगती है वो लगती है आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको आप राइट डाउन कर ले कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग एट मोस्ट टू जीरोस, बस ये दोस्तों आप याद कर ले। नाउ फ्रेंड्स सेम प्रोसेस इन क्यूबिक पॉलिनोमियल, अभी हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल को बताना जरूरी नहीं समझा क्योंकि बिल्कुल सेम प्रोसेस जो हम पीछे करके आ चुके वही आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल में हो रहा। वहां पे जो आपका ग्राफ होगा वो कट करेगा थ्री टाइम्स, एक्स एक्सिस को कट करेगा थ्री टाइम्स, तो वहां पे जो तीनों पॉइंट होंगे वे आपके जीरोस हो जाएंगे एक्स एक्सिस पर। अब दोस्तों इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे एक बात हम नोट करके लिखेंगे वो आपका होगा कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैव एट मोस्ट टू जीरोस, अभी मैंने आपको बताया है यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट थिंग यही है कि एट मोस्ट टू जीरोस तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास होगा और क्यूबिक पॉलिनोमियल के पास एट मोस्ट थ्री जीरोस होगा। तो यहां तक दोस्तों आपको पढ़ लेना है, याद कर लेना है अच्छे से। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपका रिलेशन इसमें कवर कराएंगे, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड आपका एल्गोरिथम ऑफ ए डिवीजन कवर कराएंगे। और उसके बाद इसके एक दो टॉपिक और बच जाता है वो हम आपको अगली वीडियो में कवर कराएंगे। यदि आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या यहाँ पे आ रही है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आप
चैनल को लेकर कोई सुझाव देना चाहते हैं या कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं कि वीडियो में किसी प्रकार का इम्प्रूवमेंट और किया जाए, या लैंग्वेज आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसे लेकर भी सुझाव दे सकते हैं। तो दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान अपना ख्याल रखिएगा और यूं ही पढ़ते रहिए पी कुमार क्लास पे आकर। थैंक यू।